वेलकम टू माय व्लॉग यूट्यूब चैनल। और अभी मैं जा रहा हूँ अपना आसिफ भाई के पास, जो अल रिमान का 5 मिनट में काम कर रहे। चलो यहाँ से चलते हैं आसिफ भाई के पास, उनसे मिलते हैं और उनको थोड़ा सरप्राइज भी देंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुझे उनका दुकान नहीं पता। तो ढूंढते ढूंढते मिल जाती है दुकान, तो चलते हैं आसिफ भाई के पास। ओके, लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना। आसिफ भाई के पास, आसिफ भाई ज़रा बताएंगे कि मेरे सब्सक्राइबर्स को, फ्रेंड को, कि आपने वो जो वीडियो बनाई है फेसबुक में, वो किस बारे में बताई है? बच्चों की सिगरेट के बारे में, जो नशा कर रहे हैं आजकल के बच्चे छोटे छोटे, बताओ जी भाई। हमने इस वजह से बताई है क्योंकि हमारे नौजवान नस्ल, हमने पहले ना सर्वे करा था जी, सर्वे के अंदर हमने मतलब एक दिन पूरा सर्वे कराया, कैबनों पे, दुकानों पे, कॉलेजों में, बच्चों में, दुकान पे, मतलब शहरों तफरी की जगह पर जाकर हमने सर्वे किया। सर्वे के अंदर हमने ये चीज़ देखी, नौजवान नस्ल जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा नशे की तरफ जा रही है। अच्छा। सर्वे के अंदर हमने चेक कराया जब भाई क्यों नौजवान नस्ल हमारी जा रही है, नौजवान नस्ल हमने सर्वे के अंदर ये अंदाज़ा लगाया है, नौजवान नस्ल इस वजह से जा रही है क्योंकि एक तो बेरोजगारी बहुत है। सही बात है। इतनी भाई उन्होंने तालीम हासिल करके उसके बाद कोई जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, उस वजह से जो है ना बेरोजगारी की वजह से फिर वो कोई डकैती की तरफ जा रहा है, कोई चोरी के रास्ते की तरफ जा रहा है, कोई नशे की तरफ जा रहा है, कोई ऐश पी रहा है, कोई चर्स पी रहा है, कोई शराब की तरफ जा रहा है, कोई सिगरेट की तरफ जा रहा है। हमने ये सर्वे किया है, बस हम ये हुकूमत से दरख्वास्त है, आप जो है ना इसमें जो है ना गौर करें, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल जो है ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। अक्सर देखा एयरपोर्ट पर इतने रश लगे हुए हैं, हमारी नौजवान नस्ल पाकिस्तान छोड़ते हुए बाहर घुमा लगती है, क्योंकि हमारे को ये बेरोजगारी नहीं हो, हमारे को यही सहूलतें दी जाए, हमारे को बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे को ऐसा स्कीम निकाली जाए जो नौजवान नस्ल को छोटे छोटे कारोबार खोल के दिए जाए, छोटे छोटे मोबाइल की शॉप है जैसे कि ऐसी चीज़ें दुकान खोल के दी जाए, या फिर ऐसी हमारे को हुनर सिखाया जाए, किसी काम में लगाया जाए जो हम नशे की तरफ से बच सकें। ऐसी कोई हुकूमत हमारे लिए रिलीफ निकाले जो हम लोग नशे की तरफ से बच सकें। अब जहर सी बात है, फारिग होंगे जहनी तो तवाज़ुन से जो है ना महफूज हो जाता बंदा, वो सिगरेट की तरफ, चर्स की तरफ, जहर सी बात है बंदा छोटे छोटे नशे से फिर बड़े नशे तक जाता है। बस हमारी यही गुजारिश है हुकूमत से, आप जो है ना गुजारा, एक तो महंगाई इतनी कम करी है, महंगाई बहुत कम करी है, नौजवान नस्ल जो है ना 20,000-25,000 में नहीं गुजारा कर। जी ये वाकई सच बात है कि छोटे छोटे बच्चे नशे में लगे इस वजह से। तो मैं भी आया हूँ अपना आसिफ भाई के पकवान पे, तो आसिफ भाई का जो पकवान है वो ये रहा अल रिमान पकवान सेंटर, और जो यहाँ पर ये जॉब करते हैं, तो इसी वजह से मैं आया हूँ इनके पास। तो मैंने फेसबुक पेज पे देखा था कि इनका ना बच्चों के हवाले से एक वीडियो बन रही थी नशों की, इसमें ना छोटे छोटे बच्चे सिगरेट भी पी रहे हैं। भाई अच्छी बात नहीं है, आप भी छोटे छोटे बच्चों को आदत डालो सिगरेट की, और दुकानदार इतने पागल है कि छोटे वाले बच्चों को अपना सिगरेट दे रहे, उनसे पैसे ले गए, या तो आप इतराम करो। और हमारी गवर्नमेंट को भी यही है जो आपने अपना सुना है, जो आसिफ भाई ने बोला उसी बारे में, तो गवर्नमेंट को होना चाहिए कि ये छोटे छोटे इंसानों को, जो बच्चे हैं हमारे आने वाली नस्ल में, उनको थोड़ा सा कोई अच्छे से चीज़ दे, कारोबार सिखाएँ या थोड़ा कारोबार डालें, ये ज़्यादा बेस्ट है यार। कोई ऐसे हुनर सीखे कम से कम आगे ये नस्लों में असर तो नहीं पड़े पड़े ये नशे वशे करने से। आसिफ भाई आपसे मिल के अच्छा लगा, और आपका जो YouTube चैनल है वो किस नाम से ये बताएं जी? मेरा YouTube चैनल जो है ना देखो को बादशाह के नाम से मैंने चैनल स्टार्ट करा हुआ है। सब भाइयों को आप दरख्वास्त है, आप फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, तो आपके पास ये पैगाम जाए। हम बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, हम पहले सर्वे करते हैं उसके बाद हम वीडियो डालते हैं। अच्छा। 2 दिन का पूरा सर्वे करा था हमारी नौजवान नस्ल, अच्छा सर्वे के अंदर हमने ये चीज़ भी देखी है, अक्सर जो है ना हमारी नौजवान नस्ल है नशे के अंदर, भाई इतनी मतलब नशा पहुंच गया है, यूनिवर्सिटी तक पहुंच गया है, कॉलेज के अंदर पहुंच गया है नशा, मतलब इतना ज़्यादा हो गया। मेरे को अब यासिफ भाई बता रहे थे, मुझे तो इतना इनसे इन चीज़ों का अच्छा तो पता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी मैं पकवान पे आया हूँ, तो तुरंत का खाना भी चेक करते हैं कि खाना कैसे अच्छा लगे, तो आप भी टेस्ट करो और मुझे भी बताओ सही है, क्योंकि मुझे इतना तो आइडिया नहीं है खानों का, मैं बस खाते रहता हूँ। मगर ये बिरयानी को ज़्यादा तजुर्बा है मुझे, क्योंकि कराची में रहते हो, बिरयानी का नहीं पता होगा, लेकिन किसका पता होगा। हाँ भाई
ऐसी बात है क्या? जी जी। चलो तो आसिफ भाई आप हमारे को बिरयानी चेक करवाओ। आप चले आपको हमारे पास बीफ पुलाव भी, आलू चना भी है, चिकन बिरयानी भी है, और आप तीनों चेक करें, और तीनों चेक करने के बाद हमारे सब गेस्ट जो है आपके भी फ्रेंड है, हमारे भी हैं, सबको बताना भाई आप कैसे करें। भाई भाई को सपोर्ट करो, जायकों का बादशाह इनका यूट्यूब चैनल है और पेज भी है इनका फेसबुक का। इंशाल्लाह ये टिकटॉक में भी वही अपना अकाउंट बनाएंगे तो स्टार्ट करेंगे, उसमें भी आप फॉलो करो, साथ दो और मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ा दो भाई। आप बढ़ाए नहीं तो सिर्फ वीडियो देख रहे हो, लाइक कम सब्सक्राइब लाजमी करो। और अपना क्या कहते हैं आसिफ भाई, यहाँ से आप लोगों को ऑर्डर कहाँ कहाँ से जाता है और ये किस लोकेशन पे जो आपका पकवान है? ये हमारा जो ना पकवान, ये बताएं कहाँ पर है ये लोकेशन? साफेसलपुर चढ़ने से पहले बाबे कुरंगी मिल्ला सी एन जी पंप वाला कट अंदर आएंगे, सीधा सीधा आएंगे रहमान बिरयानी सेंटर बिल्कुल सामने होगा आपको। और आप आइए आइए चेक करिए, क्योंकि हमारा नली पुलाव बहुत ज़्यादा फेमस है। हमारा नली पुलाव बाहर मतलब दुबई तक हमारा गया है ये नली पुलाव। अच्छा, बहुत ज़्यादा फेमस है, मतलब कहाँ कहाँ से लोग, मलीर, कालापुर, साफेसल, फैजाबाद, सारा फैसल से, मतलब तुरंगी एक नंबर, दो नंबर, ढाई नंबर से हमारे गैस चल कर आते हैं, आकर हमारे बताते हैं, बोल रहे भाई हम दूर दूर से चल कर आए आपका ये नली पुलाव सुनकर, और जब यहाँ खाते हैं तो भाई यही तरीक कर जो है ना फिर मान देते हैं, क्योंकि यही कहते हैं भाई जो है ना आपका नली पुलाव कहीं के जैसे आए थे तो माशाल्लाह वैसे ही नली पुलाव बना हुआ है जी। आप भी चेक करिएगा, उन सब भाइयों को बताइएगा कैसे बना हुआ है फिर आप। चलो जैसे भाई कह रहे हैं तो अभी मैं भी चेक करता हूँ कैसा इनका नली पुलाव, आ जाओ अभी खाते हैं यहाँ पर। चलो चले आसिफ भाई। आसिफ भाई क्या मंगवा रहे हो? आपका हम आपको आज नली पुलाव खिलाएंगे और हम चेक करवाएंगे नली पुलाव तो हमारा फेमस नली पुलाव है, हम मंगाया है अभी लेके आ रहा है भाई, और आप चेक करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि बाकी कुरंगी रहमान जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस है नली पुलाव के, नली पुलाव लेके आ रहे हैं आप चेक करेंगे। अच्छा, तो बाकी जो बैठे हुए खाने वाले उनसे पता करें क्या कैसी है यहाँ की बिरयानी, बैठे हुए खा रहे हैं इनसे आप मालूम कर सकते हैं। चलो नली कैसा है, चले उनके पास, चले चलो आ जाओ, आओ यार उनसे ही पता करते हैं नली पुलाव है कैसे। आप कौन सी बिरयानी खा रहे भैया? बीफ बीफ बिरयानी। आपको ये बीफ पुलाव जो है ना, नली पुलाव जो है ना रहमान का फेमस, और आप भाई भाई खा रहे हैं जिनसे आप करके आपकी यहाँ का जायका कैसा लगा? आप भैया खा रहे आपके यहाँ से रहमान का कैसा जायका लगा नली पुलाव? हम यही खा रहे हैं। कहाँ से आए आप? ये शाफेल सर। ये देखें भाई, ये आप भाई बैठे हुए नली पुलाव खाने आए शाफेल सर से चलते हैं, और इनको रहमान का बहुत अच्छा जो है ना नली पुलाव का स्वागत लगा है। हम भी यहाँ बैठ के चेक करेंगे और आप भाई को भी चेक कराएंगे यहाँ का नली पुलाव कैसा है, क्यों फेमस है और क्यों इतना ज्यादा मशहूर है, किस वजह से है। चलो उमर शाह, उमर शाह जी मैंने तो भाई पता कर लिया, इंट्रो ले लिया बाकी उससे भी कि यहाँ का अपना नली पुलाव कैसा है, और हम यहाँ से कटता भी मंगवाया है। तो भाई आपने कितने मंगवाया है? आधा किलो मंगवाया है जी, आधा किलो मंगवाया है। आधा किलो करें चेक करते हैं कितना है, तो अच्छा लगा तो मैं लेके जाऊँगा यहाँ से ज़रूर, बहुत दूर से आया खाने के लिए, और पास आपके लिए वो भी आसिफ भाई के लिए भी। चलो आसिफ भाई इंतज़ार करते हैं हम नली पुलाव। आ गई भाई नली पुलाव, ये रही चेक करो, जी उमर भाई आप कैसा लगा है जायका? पसंद आया आपको, मतलब जो आप दूर से चल कर वो पैसे वस्तु हुए हैं कि नहीं हुए? वैसे वहाँ मतलब इतने दूर आने से जो नाम सुना था वैसी जायका है या इसमें कुछ कमी पेशी है? इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब जो नाम सुनकर आए थे वैसी जायका है, अल्लाह पाक ने तो वाकई जायका दिया था, मतलब जितना दूर से चल कर आए थे वही चीज़ दे रहे हैं भाई।
भी हम ये रहता भी हम डाल कर चेक करेंगे, रहता भी होता है, सलाद भी है इनके पास। अच्छा बीफ पुलाव के अलावा आलू चना पुलाव भी है, वो भी नली पुलाव के स्टाइल के अंदर बनाते हैं। और इसके अंदर चिकन बिरयानी भी होती है, वो जो ना दिल्ली वाली चिकन बिरयानी बनाती है, वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा ही मशहूर है। ये आपने ये रहता भी डाल कर चेक करें। ये भाई ने अब रखा भी माशाल्लाह उनके शहरी के बाद अभी जो है ना रश कम में इस टाइम जो है ना रश कम हो जाता है। दोपहर के टाइम आएंगे आपको एक घंटा जो है ना लाइन पे लग कर आपको ये पुलाव लेना पड़ता है। भाई ये रहे पुलाव और यहाँ से खाते हैं फिर मिलते हैं। हमने आलू चने की बिरयानी मंगवाई है, अब ये चेक करते हैं कैसी है। अब इसका डिलीवरेशन मुझे बताया कैसे है। जी हमने मंगाई है आलू चना मिली स्टेशन है, मगर ये है कि ये आलू चना वो भी का ये हम आलू चना चेक कर रहे हैं। भाई भी आया मैं इतनी दूर से उनके साथ हम बैठ चेक करवा रहे हैं, चेक कर रहे हैं सब एक लेकर ये हम चेक करवाएंगे। बीट का माशाल्लाह से भाई ने बहुत ज़्यादा पसंद करी है, कह रहे इतनी दूर से जो हम चल कर आए तो हमारे पास बीट के। अब भाई आलू चने चेक करेंगे, आलू चने के बाद चेक करते हैं ये बेस्ट सही। चलो यार आलू चना चेक करते हैं कि आलू चने की कैसी है, मगर ये हैदराबादी आलू चने की। ये वही नली पुलाव के स्टाइल में होता है, ये आलू चना हैदराबाद पुलाव है जी। ये आप ये उसी स्टाइल में उसी जायके के अंदर होता है। ये आपको कैसा लगा है, इसके पैसे वसूल हुए नहीं हुए? चलो यार आसिफ भाई से बातचीत हो गई है और यहाँ से अपना मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ। मैं यहाँ से अपने व्लॉग को एंड करता हूँ और आसिफ भाई को यहाँ से अल्लाह हाफिज़ करता हूँ। सही है आसिफ भाई, शुक्रिया भाई आपने जो और आसिफ भाई का यहाँ से मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया है और आप जाके के व्लॉग देखो और शॉर्ट वीडियो भी डाल दिए। व्लॉग तो अभी नहीं चल रहा है फिलहाल, तो आसिफ भाई बात पर डालेंगे। आसिफ भाई ज़्यादा बोल दो आसिफ भाई जी। भाई सबको हमारी दरख्वास्त है आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन तो भी आप सकें। और बहुत शुक्रिया उमर भाई आप इतनी दूर से चल कर आए थे हमारे पास मान मन कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा हमें आप चल कर आए हमारे पास आता मान पे। और आपने ब्लॉग भी मेरे ब्लॉग भी चेक किया, आपको भी बहुत अच्छा लगा और आपने अपने मुँह की तारीफ करी है। जो भी बंदा चल कर आता है क्योंकि वो नाम सुन कर आता है, जब खाता है तो वो यही कहता है जो हमारे पैसे बचपन हो गए, जो नाम सुना था वही चीज़ करती है। मगर बहुत शुक्रिया इसी लोकेशन में आके बिरयानी का है। चलो जो इजाज़त है हमारे ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करना। चलो यहाँ से करते हैं अल्लाह हाफ़िज़।